2 नवंबर साल 2013 में इंटरनेशनल डे टू इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन के दौरान प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाने का फैसला लिया। दरअसल साल 2006 से 2020 के बीच 1200 से अधिक पत्रकारों को समाचारों की रिपोर्टिंग और जनता के लिए जानकारी लाने के लिए मार दिया गया। इस दिन को 2 नवंबर को चुनने का विशेष कारण है। इस दिन फ्रांस के 2 रेडियो पत्रकारों क्लाउदे वेरिलोन और गिसिलेन दुपोंत की माली में हत्या कर दी गई थी। 2 नवंबर साल 1833 को महेंद्रलाल सरकार का जन्म कोलकाता के पास पाइकपाड़ा नामक गांव में हुआ। महेंद्रलाल भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक और वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। उन्होंने शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के 2 स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने उस युग के कई महान व्यक्तियों की चिकित्सा की थी, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, त्रिपुरा के महाराजा। 2 नवंबर साल 1699 में जीन बैप्टिस्ट सिमोन चार्डिन का जन्म फ्रांस में हुआ। वे 18वीं सदी के महान चित्रकार थे। चार्डिन ने कुल मिलाकर 200 से अधिक चित्रों को चित्रित किया। खेलने वाला बच्चा चार्डिन का पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी चित्रकारी में सरल लेकिन खूबसूरत बनावट वाले स्थिर जीवन का समर्थन किया और संवेदनशील रूप से घरेलू अंदरूनी शैली के चित्रों को चित्रित किया। चार्डिन अपने चित्रकारी में रसोई की नौकरानियों, बच्चों और घरेलू गतिविधियों को दर्शाते थे।